ये देखो एक सामने साइकिल में मास्क सेल हो रहा है। एक्चुअली आप हर जगह पे कहीं भी जाओ, पहले ऐसे हॉकर्स लोग कुछ भी दूसरे खाने का चीज़ बेचते थे, अभी मास्क का डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो मास्क ग्लव्स सब कुछ साइकिल में लांड करिए भैया बेच रहे हैं। गाइस दिस इज़ द एरिया ऑफ माइन, आसमान को देखो, माय गुडनेस जस्ट लुक एट द ब्यूटी, ऐसा नीला नीला आसमान विद द वाइट पैचेस ऑफ क्लाउड, देखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। दोस्तों शाम के 5 बजे है, एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है चारों तरफ, आप देख सकते हो। एक्चुअली घर में था, घर में तो इतना ज़बरदस्त गर्मी था, आज तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया गर्मी में, बट थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद बाहर आया, और बाहर आने के बाद सचमुच बहुत ही अच्छा और बहुत ही फीलिंग गुड। चारों तरफ एकदम देख सकते हो इन्वायरमेंट ऐसे ही पोल्यूशन फ्री ऑलमोस्ट हो चुका है, रास्ते में कोई लोग नहीं। सुबह के टाइम में 2-4 आप देख सकते हो, ऑल्सो बर्ड्स आर सिंगिंग। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा नेचर एक डिफरेंट एंगल्स में लग रहा है। मेरे घर में घर से जस्ट कुछ ही दूर ये छोटा सा एक मैदान है, शाम के वक्त इस टाइम में इस मैदान में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं, और आजकल तो पूरा खेलना मिलना सब कुछ बंद। शाम के बाद मैं थोड़ा सा निकला हूँ, फ्लैट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा 2-3 मिनट का काम है, उसके बाद वापस मैं घर में आ जाऊँगा। यस मैं आ ही चुका हूँ। तो एक्चुअली दोस्तों मैं तो आ चुका हूँ फ्लैट के अंदर, ये मेरा 2 भाई है, दिस इज़ रोहित एंड दिस इज़ अनिर्बन। ओके एक्चुअली इन दोनों का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था इन लोगों का पढ़ाई में, क्योंकि इन लोगों का फाइनल ईयर है इस बार, इस द फाइनल ईयर, तो उन लोग थोड़ा सा हेल्प चाहिए था, तो मैंने बोला ठीक है 15-20 मिनट के लिए आ जा, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। सो आई एम जस्ट हेल्पिंग देम विथ मेंटेनिंग जस्ट लाइक सोशल डिस्टेंस हो भैया, मैं यहाँ बैठा हूँ, रोहित यहाँ पर बैठा है, और अनिर्बन थोड़ा दूर बैठा है, 2 फुट 2 फुट डिस्टेंस में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और हम छोटा सा एक कमरा हम लोग एक पढ़ाई कर रहे हैं। इन दोनों का थोड़ा सा एक वॉइस चेंज का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और ये दोनों एकदम लोकल बंदा मेरे एरिया में रहता है, मीन्स पास ही रहता है, तो जस्ट वॉकिंग 3-4 बिल्डिंग 3-5 बिल्डिंग बाद ही तो पैदल चला है। सो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ टू माई ब्रदर्स। लॉकडाउन के बाद तो मेरा फ्लैट में आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, और उसके बाद एक चीज़ खो गया था, दैट इज़ माई गोरिल्ला पॉट में मैं जो मोबाइल को कैमरा को रखकर मैं शूट करता हूँ, आई वॉज नॉट गेटिंग माई गोरिल्ला पॉट एट माई होम। तो आज यहाँ पर आकर मुझको दोस्तों मिल गया मेरा ये गोरिल्ला पॉट। एक्चुअली गोरिल्ला पॉट को मैं यहाँ पर लाया था, और लाकर आई हैव केप्ट इट इन दिस ड्रॉयर। ये देखो ये पर जो ड्रॉयर है, इस ड्रॉयर को मैं रख दिया था, और कंप्लीटली भूल गया था लॉकडाउन के प्रेशर में, एक मेंटल डिप्रेशन ऐसा था आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माय गोरिल्ला पॉट, इसलिए पूरा मोबाइल को हाथ में पकड़ कैसे, दुकान तो बंद है अभी तो मैं खरीद भी नहीं सकता हूँ, तो मोबाइल को हाथ में पकड़ कर ही मुझको शूट करना पड़ रहा था। तो थैंक गॉड आज ढूंढते मुझको मिल गया है मेरा ये गोरिल्ला पॉट, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एक्चुअली गया था काम के लिए 15-20 मिनट के लिए, बट ऑलरेडी 1-1.5 घंटा हो गया, ऐसा ही होता है इन जनरल। तो गाइज अभी मैं घर में लौट रहा हूँ, और देख सकते हो पूरा एकदम पूरा खाली गली है, शाम हो चुका है, और एक चीज़ देखकर बहुत ही ठीक नहीं लगा, एकदम सामने एक रास्ते पे एक जगह पे एक ठेले पे ऊपर चिकन बिरयानी सेल हो रहा है 70 रुपये 70 रुपये 70 रुपीज़ करके, बट अभी तो होटल तो कम्प्लीटली बंद है, बट ऐसे लोकल एरिया में लोग ऐसे बिरयानी बाहर का सेल कर रहा है, और लोग खा भी रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, तो एक्चुअली बेचना भी नहीं चाहिए और ख़रीदना भी नहीं चाहिए। और ये हम लोग का जो एरिया थोड़ा सा मेन प्रॉपर शहर से थोड़ा सा अंदर है, मेन सिटी से थोड़ा सा अंदर है, इसलिए ज़्यादा पुलिस का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कम है, तो इस चक्कर में कुछ ऐसा काम हो रहा है। तो ये देखो ये है मेरा घर, ये पूरा ग्रीन डिफरेंट है ना, जैसे मेरा घर का दूर से ही देख कर पता चल जाता है ये मेरा घर है। तो कलर ऐसा देखो, बहुत ही हाइलाइटेड कलर है। तो घर में वापस आ चुका हूँ, बाहर तो इन जनरल इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर घर के अंदर तो भाई ज़बरदस्त गर्मी है चारों तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खिड़की खुला हुआ है, यहाँ पर 2-1 2 खिड़की सब खुले, उसके बाहर भी घर का टेम्परेचर लगभग क्या बोलूँ, शायद 10 डिग्री हाई है बाहर से, इट्स टू वार्म इनसाइड। गाइस अभी थोड़ा सा फ्रेश होना है, आई लाइक टू टेक अ स्मॉल शावर। तो दोस्तों ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, छोटा सा एक ब्लॉग था शाम का,
जस्ट घूमते घूमते बना लिया। होप सो यू हैव एंजॉयड, नहीं हुआ तो अभी चलो यार एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे देखो एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा खुश कर दो आपको दोस्त को। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।